क्या आप इस तरह की दुनिया भी नहीं चाहते? एक शांतिपूर्ण दुनिया, एक प्रेमपूर्ण दुनिया, एक आनंदमय दुनिया। हर दिन सुबह अगर आप दिन की शुरुआत अपने मन में इस सरल सोच के साथ करें, अगर आप ये देखें कि आप वाकई क्या चाहते हैं, तो हर इंसान यही चाहता है। वो खुशी से जीना चाहता है, वो शांति से जीना चाहता है, वो चाहता है कि उसके रिश्ते प्यार भरे हों। या दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी इंसान यही चाहता है कि वो अपने भीतर सुखी हो और उसके चारों ओर सुख हो। ये सुख अगर हमारे शरीर में होता है तो हम इसे सेहत या सुख कहते हैं। अगर ये हमारे मन में होता है तो हम इसे शांति और खुशी कहते हैं। अगर ये हमारी भावना में होता है तो हम प्यार और करुणा कहते हैं। अगर ये हमारी ऊर्जा में होता है तो हम इसे आनंद और परमानंद कहते हैं। यही एक इंसान की तलाश है। चाहे वो काम करने अपने ऑफिस जा रहा है, वो पैसा कमाना चाहता है, करियर बनाना चाहता है, परिवार बनाए, वो बार में बैठे या मंदिर में बैठे, वो तब भी उसी चीज की तलाश में है। भीतर सुख, चारों ओर सुख। अगर यही हम चाहते हैं तो मुझे लगता है इसे सीधे संबोधित करने और इसे बनाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने का यही समय है। तो आप खुद को एक शांतिपूर्ण इंसान, आनंदमय इंसान, प्रेम करने वाला इंसान, सभी स्तरों पर एक सुखद इंसान बनाना चाहते हैं? और क्या आप इस तरह की दुनिया भी नहीं चाहते? एक शांतिपूर्ण दुनिया, एक प्रेमपूर्ण दुनिया, एक आनंदमय दुनिया। नहीं, मुझे हरियाली चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। आनंदित दुनिया से हमारा मतलब है कि हम जो भी चाहते थे वो हो गया। आप इसी की तलाश कर रहे हैं तो आपको यही करने की जरूरत है कि अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए एक शांतिपूर्ण, आनंदमय और प्रेमपूर्ण दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं। हर दिन सुबह अगर आप दिन की शुरुआत अपने मन में इस सरल सोच के साथ करें कि आज मैं जहां भी जाऊंगा एक शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और आनंदमय दुनिया बनाऊंगा। अगर आप दिन में 100 बार गिरते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? एक प्रतिबद्ध आदमी के लिए विफलता जैसा कुछ नहीं होता। अगर वो 100 बार गिरता है तो 100 सबक सीखने को मिलते हैं। अगर आप खुद को कुछ वाकई अच्छा बनाने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं तो आपका मन व्यवस्थित हो जाता है। जब आपका मन व्यवस्थित हो जाता है तो आपकी भावना व्यवस्थित हो जाएगी। भावना का संबंध विचार से है। जब आपका विचार और भावना संगठित हो जाती हैं, तो आपकी ऊर्जाएं उसी दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगी। जब आपके विचार, भावना और ऊर्जा व्यवस्थित हो जाएंगे तो आपका शरीर व्यवस्थित हो जाएगा। जब ये चारों एक दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं तो आप में मन चाही चीज बनाने और प्रकट करने की जबरदस्त क्षमता होगी। आप कई मायनों में ईश्वर होंगे। जो सृष्टि का स्रोत है वो आपके जीवन के हर पल में आपके अंदर काम कर रहा है। बात सिर्फ ये है, क्या आपने उस आयाम तक पहुंच बनाई है या नहीं? अपने जीवन के चार मूल तत्वों को व्यवस्थित करके आपको वो पहुंच मिलेगी। ऐसा करने के लिए साधन और तकनीकें हैं। योग का पूरा विज्ञान, पूरी तकनीक जिसे हम योग कहते हैं, वो बस यही है, खुद को सृष्टि के एक टुकड़े से सृष्टा बनाना। ये मेरी इच्छा और मेरा आशीर्वाद है कि दुनिया में हर इंसान को अपने भीतर सृजन के स्रोत तक पहुंचो, ताकि वो रचनाकार की तरह यहां काम कर सके, न कि सिर्फ एक रचना के रूप में।